महादेव की नगरी में मैं आज आधार वंदन करने आई हूँ हर उस राष्ट्रभक्त का जिसने एक ऐसा सांसद चुनकर देश की संसद में भेजा। जब दुश्मन देश ने आग दिखाई तो आपके सांसद ने खुली चुनौती को स्वीकार किया, देश की वायु सेना को आदेश दिया, पाकिस्तान में आसमान चीरता हुआ हमारा वायु सैनिक गया और पाकिस्तान में डर इतना कि इज्जत के साथ उसको वापस लौटाया। आज उस अभिनंदन का अभिनंदन देने का के नागरिकों को। और केशव भैया पंजाब से आ रहे हैं और पंजाब में जिसने बंटवारा देखे, मैं तीसरी पीढ़ी हूं क्षत्रिय परिवार की जो बंटवारे के बाद जिसका परिवार हिंदुस्तान आया और फिर मुरादाबाद में परिवार रहा। आज उस पंजाब में जाकर मुझे देखकर हैरानगी हुई कि कांग्रेस के नेता ने कहा कि अगर कांग्रेस के पास सत्ता आई तो पंजाब का बॉर्डर खोल देंगे ताकि पाकिस्तानी सीधा पंजाब में आए अपना काम करें, डॉक्टर को दिखलाना है दिखलाएं, अगर व्यवसाय करना है करें। आज कांग्रेस की ये मंशा हो गई है, बॉर्डर खोलकर पाकिस्तान को बुलाना चाहता है। और इसीलिए आज ये सत्य है कि काशी के सांसद के साथ हिंदुस्तान है और राहुल गांधी को पाकिस्तान का समर्थन है। आभार व्यक्त करने आई हूँ काशी के नागरिकों का जिन्होंने एक ऐसा सेवक हमारे राष्ट्र को दिया, वो सेवक जिसने लगभग 10.5 करोड़ गरीब परिवारों की रसोई से धुआं हटाया और उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंचाया। आज ऐसे धुएं से रहित रसोई में खाना पकाने वाली गरीब परिवार की उस माँ की ओर से मैं काशी के हर परिवार को आभार व्यक्त करने आई हूँ। आज महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए काशी के एक एक नागरिक का मैं आभार वंदन करती हूँ। आपने एक ऐसा सांसद चुनकर देश की संसद में भेजा जिसने गरीब की इतनी चिंता की कि उनका बैंक का खाता खुलवाया और 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के बैंक के खाते में 10 वर्षों में 38 लाख करोड़ रुपया पहुंचाया। आज मैं काशी के हर उस नागरिक को आभार व्यक्त करने आई हूँ। आज काशी के नागरिकों को आभार व्यक्त करने आई हूँ आपने और जो नगरी माँ अन्नपूर्णा के लिए जानी जाती है उस नगरी के एक एक नागरिक को प्रणाम करने आई हूँ। अन्नपूर्णा का ऐसा आशीर्वाद आपके सौजन्य से नरेंद्र मोदी के शुभ हस्तों से राष्ट्र को मिला और आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का जो अनाज जा रहा है वो काशी के एक एक नागरिक के आशीर्वाद की वजह से जा रहा है। अन्नपूर्णा का आशीर्वाद अब हर घर में जा रहा है। आज काशी के नागरिकों को आभार व्यक्त करने आई हूँ कि आपने एक ऐसा सांसद चुनकर देश की संसद में भेजा जिस सांसद ने विपदा की घड़ी में कोरोना का टीका हिंदुस्तान में बनवाया और हर गरीब परिवार को हर नागरिक को मुफ्त में पहुंचाया। आज मैं काशी को उसका आभार व्यक्त करने आई हूँ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ओर से। वो हर गरीब परिवार की बहू बेटी बहनों के लिए अलग से शौचालय बनाएगा, उनका जीवन सम्मान से भर पाएगा। इसलिए आज मैं भाषण देने नहीं बल्कि देश के 11 करोड़ परिवारों की महिलाओं की ओर से काशी के एक एक नागरिक का आभार व्यक्त करने आई हूँ। आपने सांसद ऐसा चुना जो देश का प्रधान सेवक बना और 11 करोड़ गरीब परिवारों का उन्होंने कल्याण किया। 10 लाख पार का नारा रविंद्र भैया देते हैं, वो नारा भैया मात्र नारा नहीं है, वो जय घोष है हिंदुस्तान का। यहाँ जितने कार्यकर्ता जितने समर्थक बैठे हैं उनसे कहना चाहती हूँ एक अकेला मोदी सब पे भारी पड़ रहा है लेकिन उस एक अकेले मोदी के पीछे 10 लाख नागरिक काशी के खड़े हों इसकी व्यवस्था इसका संकल्प आपको लेना है। वो एक अकेला लड़ता है, वो एक अकेला लड़ता है क्योंकि आप आशीर्वाद देते हैं। वो एक अकेला
हर कटाक्ष को सहता है क्योंकि आप आशीर्वाद देते हैं, वो एक अकेला हर अपमान को सहता है क्योंकि आप उसका सम्मान करते हैं। अरे महादेव की नगरी से प्रेरणा ऐसी ली कि हर विष को अपने कंठ में उन्होंने भी दबाया ताकि विकास रूपी अमृत हमारे देश के हर नागरिक को मिल सके। और आज मात्र भारत नहीं, विश्व के हर राम भक्त की ओर से काशी नगरी के एक एक नागरिक को आभार वंदन करने आई हूँ। आपने काशी से सांसद ना बनाया होता मोदी को तो भव्य राम मंदिर का निर्माण हम अपनी आंखों के सामने देख ना पाते।